गाइस, तो आप लोग मुझसे पूछ रहे थे, काफ़ी सवाल थे इस चीज़ को लेकर कि मैंने अपनी प्रिपरेशन कब स्टार्ट की, मुझे कितना टाइम लगा और क्या ये मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था। तो मैं आपको बताती हूँ कि जैसे अब IBPS का कैलेंडर इस बार जनवरी में रिलीज़ हुआ है, तो जो डेट्स आई हैं, जैसे मैंने आपको ये आपके लिए प्रिंट आउट निकाला है कि मैं आपको बता सकूं अच्छे से। पता नहीं आपको दिख रहा होगा क्लियर या नहीं दिख रहा होगा। तो जो भी IBPS का कैलेंडर रिलीज़ हुआ है, उसमें जो भी क्लर्क की डेट आई है वो अगस्त में आई है कि अगस्त से प्रीलिम्स स्टार्ट हो जाएंगे, और जो PO की डेट आई है वो सेप्टेम्बर में आई है कि सेप्टेम्बर से उसके प्रीलिम्स स्टार्ट हो जाएंगे। तो अगस्त सेप्टेम्बर और अभी मार्च चल रहा है, तो अभी भी आपके पास इनफ टाइम है कि आप अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करके पूरा स्कोर करके आप इसमें जॉब आराम से ले सकते हैं। क्योंकि मैंने अपनी प्रिपरेशन भी इसी टाइम स्टार्ट की थी और मैंने भी अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में ही निकाला था एग्ज़ाम, और मुझे भी इतना ही टाइम मिला था जितना आप लोगों के पास है अभी। तो उस टाइम में मैंने अपने सोर्सेस डिसाइड किए। सबसे पहली प्रॉब्लम ही यही आती है कि सोर्सेज नहीं पता चलते कि आप कहाँ से पढ़ो, क्या पढ़ो, क्योंकि इतना सारा सोर्स अवेलेबल है तो समझ नहीं आता कि क्या पढ़े, कहाँ से पढ़े, ये भी अच्छा है, वो भी अच्छा है। तो सबसे पहला तो आप ये करना कि आप अपने सोर्सेस फिक्स रखना। अगर आप, मैंने तो सारे फ्री सोर्सेस से किया था, यूट्यूब पे आजकल तो बहुत सारे लेक्चर सब कुछ अवेलेबल है, आप आराम से कर सकते हैं। तो मैंने तो फ्री सोर्सेस से किया था। मैंने किसी भी एक कोर्स का फ्री सोर्स, जैसे मुझे, मैंने काफ़ी लेक्चर सीखे थे, तो मुझे अड्डा का सही लगा था बेसिक स्ट्रॉन्ग करने के लिए, तो मैंने वहाँ से अपना बेसिक स्ट्रॉन्ग किया जिसने मुझे काफ़ी हेल्प की। क्योंकि स्टार्टिंग के, जैसे अभी मार्च चल रहा है, अप्रैल मई जून, फिर RRB के भी एग्ज़ाम चालू हो जाते हैं, शायद जुलाई में नोटिस आता है, अगस्त में चालू हो जाते हैं। तो अभी भी आपके पास उसके लिए भी इनफ टाइम है कि अगर आप अप्रैल मई में भी अपना प्रीलिम्स का पूरा कोर्स कर लेते हैं, रीजनिंग का, मैथ का, इंग्लिश का पूरा, आप इंग्लिश की आप रीडिंग चालू रखते हैं साथ के साथ, और आप अभी भी 2 महीने हैं आपके पास कि आप अपना प्रीलिम्स का पूरा कोर्स कंप्लीट कर सकते हैं, रीजनिंग, मैथ सबके लेक्चर्स देख सकते हैं, क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। एक बार अपने आप का बेस स्ट्रॉन्ग कर लिया, उसके बाद आप मॉक देना चालू कर सकते हैं। ऐसा नहीं मॉक आप हमेशा ये सोचे कि नहीं मेरा फुल कोर्स होगा उसके बाद में देंगे मॉक्स, नहीं। अगर आपको एक, अगर आपका कोई टॉपिक भी हुआ है, उसको आपको हफ्ते भर भी हुए हैं, तो भी आप उसका मॉक दे देना। ये मत सोचना कि नहीं मेरा पूरा कोर्स हो जाएगा उसके बाद में मॉक दूंगा, ये स्ट्रेटेजी नहीं वर्क करेगी। अगर आप बैंकिंग की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जितने ज़्यादा मॉक्स आप टाइम पे लगाएंगे उतना ज़्यादा फ़ायदा होगा, ना कि आप वेट करेंगे कि पहले मेरा कोर्स हो जाए फिर मैं मॉक्स दूंगा, तो ये तो नहीं होगा। तो अभी आपके पास टाइम है, मार्च चल रहा है, आप अप्रैल मार्च में आप जो भी अपने आपके पास दिन बचे हैं, आप उसमें ये डिसाइड कर सकते हैं कि आप कौन सा मटेरियल फॉलो करेंगे, आप कहाँ से पढ़ेंगे। उसके बाद नेक्स्ट 2 मंथ आप अपनी प्रीलिम्स की स्ट्रेटजी पूरी कर सकते हैं, उसके बाद ही आपको अपनी मेंस की स्ट्रेटजी भी चालू करनी है। आप इस इंतज़ार में मत रहना कि मेरा रिजल्ट आएगा उसके बाद में मेंस की स्ट्रेटजी चालू करूँगा या करूँगी, ये कभी हो ही नहीं पाता। क्योंकि जो रिज़ल्ट आता है और जो एग्ज़ाम होती है उसमें मिनिमम 30 to 40 days का टाइम रहता है, और जो रिज़ल्ट आएगा वो एग्ज़ाम के 15 से 20 days बाद आएगा, तो मतलब आपके पास फिर 15 से 20 दिन ही बचे मेंस के लिए। तो ऐसे में फिर मेंस के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना, उनमें इतनी स्पीड लाना, GA करना, वो सब कुछ एक साथ पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो अगर आप, जैसे आपने दो स्टार्टिंग के अप्रैल में आपने प्रीलिम्स की प्लानिंग कर ली, स्ट्रेटजी कर ली, पूरा बेसिक समझ लिया, उसके बाद जून जुलाई आप मेंस का पूरा साथ के साथ कोर्स चालू कर दो, मेंस के मॉक लगाना चालू कर दो। मेंस जैसे RRB पास में होगा तो आप RRB के मेंस के मॉक लगाना चालू कर दो,
कभी क्लर्क के मेंस के मॉक्स दे लिए, आप ऐसा नहीं डेली देते रहो, बट हाँ उनको प्रैक्टिस में लाओ, कि आप अगर प्रैक्टिस में देते रहोगे तो जिस दिन आप एग्ज़ाम में जाओगे आपको ऐसा नहीं लगेगा कि ये टफ लेवल है या ये मैंने कभी देखा नहीं। अगर आप स्टार्टिंग से ही उसको प्रिपरेशन के साथ ही वैसे क्वेश्चंस के साथ डील करोगे तो एग्ज़ाम में आपको मुश्किल नहीं लगेगा वो। तो काफ़ी टाइम है अभी भी, आप अगर आपने आप ये सोच रहे हो कि कैलेंडर आ चुका है अब मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं करी क्या करूं, आप अभी भी करोगे तो भी हो जाएगा, क्योंकि मैंने भी किया था और आप भी कर सकते हो। फर्स्ट अटेम्प्ट में निकालना कोई मुश्किल नहीं है, अगर आपने बेसिक अपने क्लियर कर लिए, रीजनिंग क्वांट को कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ लिया, न्यूज़पेपर रीडिंग हमेशा कंटिन्यू रखी, ऐसा नहीं है कि आप बीच में छोड़ रहे हो, आप बोर हो रहे हो, बोरिंग लगता है बट आपको न्यूज़पेपर रीड करना बहुत ज़रूरी है अगर आपको इंग्लिश में वो अच्छे स्कोर चाहिए तो। उसके लिए एडिटोरियल्स, इकोनॉमी सेक्शन रीड करना बहुत ज़रूरी है। और आप ये नहीं सोच सकते कि आप सब सब्जेक्ट्स में एवरेज होकर चलें तो आप अच्छा स्कोर कर लेंगे, आपको किसी सब्जेक्ट में स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपका कोई स्ट्रांग पार्ट तो होना चाहिए जिसमें आप औरों से ज़्यादा स्कोर कर पाएँ ताकि आप लीड ले पाएँ। आप फिर ये ना सोचें कि मैं कट ऑफ पे ही हूँ, पता नहीं मैं मार्जिन पार करूँगा नहीं करूँगी, तो ये फिर ये दिक्कत नहीं आएगी, फिर आप मेंस की तैयारी उसी दिन से चालू कर देंगे जिस दिन आप प्रीलिम्स दे के आएंगे। तो अभी भी काफ़ी टाइम है, आप प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं अभी भी। जैसे आरआरबी का जो है मैंने अभी देखा अगस्त में स्टार्ट हो चुका है, जैसे आरआरबी का जो भी प्रीलिम्स है वो अगस्त में है, और जो आईबीपीएस का क्लर्क है वो भी अगस्त में उसका प्रीलिम्स है आरआरबी के बाद। तो अभी भी अगस्त है तो अभी भी आपको काफ़ी टाइम है, आप आराम से कर सकते हो। और जो आरआरबी में मेंस का भी लेवल आता है वो मुश्किल नहीं होता, उसमें इम्पोर्टेंट ये होता है कि आप टाइम मैनेज कर पा रहे हो। अगर आपने टाइम मैनेज कर लिया तो आप आराम से उसमें स्कोर कर लोगे। तो ये था, मैंने आपको कैलेंडर के बारे में बताना था, और आप आराम से कोर्स हो सकता है, कोई मुश्किल बात नहीं है, और ऐसा नहीं है कि फ्री सोर्सेज से नहीं हो सकता, फ्री सोर्सेज से भी हो सकता है पढ़ाई, ज़रूरी नहीं है आप पेड कोर्स पे डिपेंड करें, ऐसा कुछ भी नहीं है। आजकल फ्री सोर्सेज में भी काफ़ी सारा टीचर्स, जैसे अंकुश लांबा सर, कौशिक मोहंते सर, काफ़ी सारे टीचर्स हैं, और जैसे अड्डा, काफ़ी सारे सोर्सेज भी हैं आप जिनसे आराम से अच्छे से पढ़ सकते हो। करंट अफेयर वगैरह के लिए भी ऑलिव वुड भी, उनका भी एक यूट्यूब चैनल है, वो भी मंथली करंट अफेयर डिस्कस करते रहते हैं, अड्डा भी करते रहते हैं, तो आपको जिसका अच्छा लगे, क्लाउड अफेयर्स का भी होता है, तो जिसका अच्छा लगे आप वो फॉलो कर सकते हो। तो करंट अफेयर भी आप चालू, मतलब लास्ट जो भी एग्ज़ाम की डेट है उसके आसपास के जो भी 4 to 5 month होंगे वो आपको बहुत अच्छे से करना पड़ेगा करंट अफेयर। तो ये था कैलेंडर के लिए, बाकी आप बता देना आपको कुछ और पूछना हो, मैं आपको डिटेल में बता दूंगी, और मैं टू डू लिस्ट भी बना दूंगी कि आपको क्या करना चाहिए इस टाइम से पहले, और शेड्यूल का अगर आप बोलोगे तो मैं शेड्यूल का भी आपको बना के दे दूंगी। तो जो भी आप क्वायरीज होंगी आपकी आप मुझे बताना, मैं उस पर वीडियो ज़रूर बनाऊंगी। थैंक यू।